देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी मिलने वाले मामले में अब महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड की तरफ से जांच की जाएगी। यहां ये भी बता दें कि पहले केवल मनसुख हिरेन की मौत की जांच की ही महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई थी, अब इन दोनों ही मामलों की जांच राज्य एटीएस करेगी। अंबानी के घर के पास पिछले दिनों एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी। इसके बाद गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ। मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच भी महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस को सौंप दी है। इधर ये भी बताया जा रहा है कि मनसुख हिरेन की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से मौत हुई है। मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। पुलिस के अनुरोध पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। पोस्टमार्टम चार डॉक्टर विशेषज्ञों की टीम कर रही है जिसमें डॉक्टर पैथोलॉजी डॉक्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हैं। इधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि गाड़ी मनसुख की नहीं बल्कि सैम नाम के शख्स की थी, लेकिन पुलिस में गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराते वक्त मनसुख ने बताया था कि उसने गाड़ी खरीद ली थी। बताते चले कि मनसुख का शुक्रवार को ठाणे में नदी के तट पर शव मिला था। ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगभग 45 साल का मनसुख गुरुवार की रात को लापता हो गया था। मुम्ब्रा रेती बुंदर रोड से लगी एक नदी के तट पर उसका शव मिला है। गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई में अंबानी के बहुमंजिला घर एंटीलिया के निकट 25 फरवरी को मनसुख की स्कॉर्पियो कार के अंदर जिलेटिन की छड़े रखी मिली थी। पुलिस ने कहा था कि कार 18 फरवरी को एरोली मुलुंद ब्रिज से चोरी हुई थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में मनसुख का बयान दर्ज किया था। वाहनों के पुर्जों का कारोबार करने वाले मनसुख ने कहा था कि अपनी कार चोरी होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दी थी। बताते चले कि पिछले सप्ताह गांव देवी में मुकेश अंबानी की बिल्डिंग के पास मिली लावार स्कॉर्पियो कार में 21 जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई थी। स्कॉर्पियो को ड्राइव कर आया व्यक्ति पीछे खड़ी इनोवा कार में बैठकर भाग गया था। जिस स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें व एक धमकी भरा पत्र मिला था उसमें 4 नंबर प्लेट भी मिली थी। ज्यादातर नंबर प्लेट मुकेश अंबानी की कंपनियों या सुरक्षा गाड़ियों से मिलती जुलती थी। जांच टीम इस एंगल से खास तौर पर पड़ताल कर रही है कि आरोपियों ने काफी दिनों से रेकी की होगी और उसी में गाड़ियों की नंबर प्लेट से जुड़ी ये जानकारियां जुटाई होंगी। क्राइम ब्रांच इस केस में दर्जनों लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एनआईए, महाराष्ट्र एटीएस और आईबी भी अपने अपने स्तर पर इनपुट्स जुटाने की कोशिश कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।